नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। साजा नगर पंचायत में बिजली खंभे में लगातार हो रहे शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइन बंद होने के कारण नगरवासियों को लगातार भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आयुष शर्मा एवं साथियों के साथ साजा विधायक ईश्वर साहू के पास पहुंचकर उन्हें स्थितियों का अवगत कराया और बताया कि साजा में शॉर्ट सर्किट की वजह से रोजाना रात को लाइट गोल हो जाती है, कभी भी स्पार्किंग होती है। इस संबंध में विधायक ईश्वर साहू ने बातों को गंभीरता से लेते हुए सीधे विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन लगाकर उनसे चर्चा की और साजा मुख्यालय में इस तरह की समस्याओं को तत्काल हल करने निर्देश दिया। उन्होंने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि ऐसी समस्या पुनः निर्मित नहीं होगी। साजा मुख्यालय के लोगों को विद्युत व्यवस्था की नियमित पूर्ति होगी। निर्देश पश्चात विभाग के उच्च अधिकारी डीई ने तत्काल कार्यवाही प्रारंभ कर दी। इस संबंध में जिला उपाध्यक्ष आयुष शर्मा ने कहा कि वार्ड नंबर 8 में लगे ट्रांसफार्मर में एक फेस होने की वजह से ज्यादा लोड नहीं ले पा रहा है, जिससे विद्युत व्यवस्था अवरुद्ध होती है, जिसका भी निराकरण शीघ्र किया जाए। साथ ही एक वार्ड में बिजली पोल इतना झुक चुका है, कभी दुर्घटना हो सकती है। तो वहीं आयुष शर्मा ने कहा कि जल्द एक नया बिजली पोल लगाया जाएगा। बेबेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। साजा वासियों की ओर से लगातार वार्डों से लगातार कंप्लेन विद्युत विभाग के खिलाफ आ रही थी कि बिजली की व्यवस्था साजा विद्युत विभाग ढंग से कर नहीं पा रही है और तारों के जुड़ने की वजह से शॉर्ट सर्किट का मामला लगातार साजा में आ रहा था। हम लोगों ने विधायक जी को इस बात की सूचना दी और विधायक जी ने तुरंत अधिकारियों को इसका निराकरण करने का आदेश किया। जी, अभी आपके द्वारा पूरे मैदान में भ्रमण करके पूरा ठीक ठाक करवाया जा रहा है। वो हम युवा मोर्चा के साथियों का ये आज साजा में भी आज विधानसभा में विधायक हमारे भाजपा के विधायक है, मुख्यमंत्री भाजपा के और सांसद भी हमारे सब जीत कर और ऊपर प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं। तो हम युवाओं की तरफ से ये है कि लगातार हम क्षेत्र की जनता की तकलीफ और दुख सुख को सुनेंगे और खुद स्वयं खड़े होकर सभी का काम कराने